आप क्या कहना चाहेंगे? आपको भी बहुत सारे युवा देखते हैं, फॉलो करते हैं, लड़कियां बहुत ज्यादा फॉलो करती हैं संस्कृति अपन पहचान वाले पहाड़ी चुमी भावना चुफाल मेरा नाम तो हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पैरलाग जय जय ज्योत की हाल चाल हैरान सब ठीक ठाक होला नमस्ते। आज पहली बार मैं इनके ब्लॉग में आई हूँ यार गाइस, तो और आज पहली बार मैं इनसे मिली हूँ जानती होंगे सब हिमानी कोरंगा। तो आज हम लोग जा रहे हैं महारैली में, आपको पता ही है भू कानून का है तो थोड़ा बहुत नर्वस तो है ही क्योंकि आज वैसे बहुत सारे लोग आए। हाँ ये मेरे से पूछ रही पुलिस डंडे तो नहीं मारेगी ना मैंने, अरे क्योंकि मैं आज तक नहीं गई हूँ ना, मतलब कभी है ना, नहीं नोटिस वगैरह सब ले रखा है ना तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ बाकी तो बाकी देखते हैं आज कौन कौन आते हैं और इनसे मिलके अच्छा लगा। मैं तो बोल रहा हूँ जाओ बट मजबूरी तो चलते हैं। ओके तो दोस्तों रैली जो है शुरू हो चुकी है। मैं कल जो है दिल्ली से आई थी और आज जो है रैली थी तो इसलिए मैं हिमानी के साथ ही रुकी थी और रैली हिमानी के घर से बस थोड़ी सी दूरी पे ही था। अरे भू कानून हक लिबेरोलो, भू कानून हक लिबेरोलो, बोलीवासे हक लिबेरोलो, बोलीवासे हक लिबेरोलो, बोली दे म्यार हक मगे ओ सरकार, बोली दे म्यार हक मगे चुपाल बड़ी चुलबुली सी हमारी बच्ची जो बात कर रही है 1950 और मूल निवास
कानून, भू कानून, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। गाड़ी रुक जाए, गाड़ी के आगे न जाए, कृपया गाड़ी के आगे न जाए। सभी लोग संयम से परिचय दें, सभी लोग संयम का परिचय दें, पीछे रहे। तो रैली शुरू हुई थी सुबह 10 बजे और अभी 3 बजे हम जो है हल्द्वानी के गोलजू देवता मंदिर में पहुँचे हैं। गोलजू देवता जी जो है वो न्याय के देवता माने जाते हैं उत्तराखंड कुमाऊं में। तो यहाँ पे सभी लोग पहुँचे हैं और अर्जी लगाने आए हैं मूल निवास और भू कानून की। तो दादी हमें यहाँ मिले और मेरे को पहले पता नहीं था कि हम दोनों एक ही गांव के पड़ोसी हैं करके, क्योंकि आपका सरनेम रोतेला है ना, रोतेला सरनेम है आपका। तो मैं कंफ्यूज थी कि विष्णु रोतेला के गांव के साइड के हो गए, फिर बाद में पता चला कि मुझे भी तब पता लगा जब मैंने तुम्हारा वीडियो देखा एक। अच्छा ना पढ़ वाला उनका, अरे ये तो पास में ही है। तो आज ये भी मिलने हैं था और इनको भी देखा ही होगा, मेरा तो गला ही बैठ रखा है, मैं कुछ बोलने के लायक नहीं हूं, बस दिखा रही हूं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आजकल के जो हमारे युवाएं हैं और हमारे जो बड़े लोग हैं, तो ये सभी लोग एकजुट होके भू कानून को लेके काफ़ी टाइम से ये जो संघर्ष चल रहा है अब जाके धीरे धीरे करके सफल हो रहा है और काफ़ी सारे लोग इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं। और हम छोटे मोटे जो कलाकार हैं तो हमारा भी फ़र्ज बनता है, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है और ये हमें मिलना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? सेम यही है कि जैसे आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में मूल निवास की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में जो है मूल निवास है वहाँ, बट उत्तराखंड में नहीं है। और उत्तराखंड के जो बच्चे हैं उनको यहाँ जॉब्स ही नहीं मिल रही हैं, बाहर के लोग ही आ जा रहे हैं, उनको इक्वली हो गया दोनों का। तो वही मतलब एक मेन वो रीज़न है और एक सांस्कृतिक भी कि यहाँ बाहर के लोग भी आएंगे तो धीरे धीरे एक माहौल होता है ना जो वो भी धीरे धीरे लुप्त होता जाए। लग रहा है बचपन से आप यहाँ पर हैं, तो कभी लगा आपको कि ऐसा कि पहाड़ी संस्कृति पर खतरा है, या कभी आपने कुछ ऐसा देखा हो कि यहाँ संस्कृति कहीं ना कहीं पिछड़ रही है? पिछड़ने वाली बात तो नहीं है कि वो हम पे ही है कि हम उसे कैसे बरकरार रखते हैं, हमारे ऊपर ही, हम जो जनरेशन है अभी हमें आगे उसे बढ़ा के ले जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर के लोगों की वजह से है या फिर जो भी है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कितना आगे बढ़ा सकते हैं। और संस्कृति हमारी ऑलरेडी बची हुई है, बस हमें उसे आगे बढ़ा के ले जाना है। आने वाली जनरेशन को भी ये बताना चाहती है कि अपनी संस्कृति को अपने हाथों से सेफ रखें। हाँ, संस्कृति हमारी सेफ है, बट उसको उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है, उसको जैसी है वैसे ही आगे तक जनरेशन तक पहुँचानी है। तो आपको क्या लगता है सरकार मानेगी इस बात? सभी लोग लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं,
जब उत्तराखंड बना था उस टाइम से ही लगे हुए, फिर बीच में हुआ थोड़ा बहुत, फिर एक बार में पूरा ही हटा दिया, तो प्रयास तो कर ही रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को अभी सोशल मीडिया पर युवा देख रहे हैं, क्या आपको जो मूल निवास है या भू कानून है क्यों जरूरी है? जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड के जितने भी बच्चे हैं वो या तो भर्ती में जाते हैं फौज में या फिर गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स का ये यहाँ पे है कि कोई भी आके भर सकता है, बाहर के लोग भी, और जो बाहर जहाँ पे मूल निवास है वहाँ पे ऐसा है कि अगर आप वहाँ के फॉर्म फिल करते हैं तो आप पूछते हैं कि मूल निवास है या नहीं है, अगर आपने नॉन लिख दिया तो आप वो फॉर्म नहीं फिल कर सकते, बट उत्तराखंड के गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा है कि कोई भी कर सकता है, तो जिस वजह से बहुत कॉम्पिटिशन भी बोल सकते हैं और बेरोजगारी भी बोल सकते हैं। वेलकम टू हिंदी वर्सेस पहाड़ी। कड़ी चावल, पल्योलाद, बेस्ट फ्रेंड, हंगू, अब बताओ तीसरा, हैंड वाश, हां नहीं समतल, प्लेन रास्ता बोलूं? हां प्लेन रास्ता, हां हैंड वाश, प्लेन रास्ता, हैंड वाश, हैंड वाश, हैंड वाश, हां बोलते हैं, हां एक बार सोचा था मैंने भी थोड़ी पहले, बिस्तर को दिहान बोलते हैं ना? हाँ दिहान। रेडी? बिस्तर दिहान। अब बताओ। और आप बताओ कुछ? और मिर्ची बोलो, मिर्ची को मर्च, मर्च। हाँ वो तो नॉर्मल है ना? नॉर्मल है। कोई ऐसी चीज़ ना लोगों आती नहीं जैसे। और क्या क्या बोलते हैं? पेड़ को क्या बोलते हैं ये बताओ? रूख। हाँ रूख, रूख बोलो। और छोटे पेड़ को बोर्ड बोलते हैं। हाँ बोर्ड। रुख तो मैं बोल चुका हूँ। अरे बोल चुके हो? बहुत बार। देख रहे हो आप एक छोटे से वीडियो बनाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। हार्ड वर्क है। और घर को कुड़ पद बोला है, कपड़ों को थिकाल और दंगाल भी बोलते हैं, कपड़ों को थिकाल बोल दिया ना, बोल दिया ना, आप ठीक है, क्या बोला? दंगाल बोल दिया क्या? नहीं बोला, थिकाल बोला हमने, कब बोला? अभी नहीं बोला, अभी हमने इससे पहले बोला, ना ना वो अलग है, कपड़ों को थिकाल और दंगाल, एक और चीज भी बोलते हैं कपड़ों को यार, क्या बोलते हैं? लुकुड़, लुकुड़ भी तो बोलते हैं, वो क्या होते हैं? लुकुड़, लुकुड़, लुकुड़ बोलते हैं कपड़ों को, लुकुड़ दंगाल, ठीक है, रेडी, दंगाल बोलूंगी, ठिकाल बोलना, दंगाल बोलना, लुकुड़ मतलब कपड़े, ठिकाल, दंगाल, लुकुड़, और सोचो सोचो सोचो, आप बताओ ना, आदमी को क्या बोलते हैं? आदमी पति को, पति, अच्छा बैग, 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 हमारा क्या बोलते हैं पति को? हाँ घरवा, 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 बैग बोलते हैं, बैग, बैग, बैग नहीं, रेडी, पति, बैग, कपड़े वाला बैग लिए, पति वाला बैग, पत्नी को शाम बोल दिया, बच्चों को बोल दिया, लड़के को, लड़के को क्या बोलते हैं? बच्चे नंदिन होते ना, लड़के को चल चल चल, लड़की, लड़की को, बच्चों को नंदिन, नंदिन, हाँ ये देखिए सबको देखिए बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और पहाड़ी भाषा सिखा रहे हैं सबको अपनी, और लड़के को बोलो ना, लड़का तो बोल बोल जाओगे, छोड़ छोड़, छोड़ छोड़, छोड़ छोड़, ताई जी, ताई 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 जी, ताऊ जी, हाँ जब जी, ताई जी बोलूँगा, ठीक है, ताई जी, जेज, ताऊ जी, जब, चाचा, चाचा, काका, 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 काकूले हूँ, काकजू, काकजू बोलते हैं, सही बात है, बिल्कुल सही, चाचा, काकजू, काकू, जीजा जी, जीजा जी, भिन, भिंजू, भिंजू, जीजा जी, भिंजू, और बताओ, मोदी का बोलना कैच, तो आपने बोल दिया क्या पहले? बोल तो क्या, फिर भी बोल देता हूँ, फिर भी बोल देता हूँ, फिर भी बोल देता हूँ, मौसी, कैच, बुआ, क्वीज, बुआ, क्वीज, अब क्या बोलते हैं? वह दीदी बोल, कला, गंजार, कला कौन बोलते हैं? ठीक है, चलो, बहुत मार खाओगे, कटकटा दियोल, छेस दियोल, पढ़ दियोल, कटकटा दियोल, जे यार तू मिले, क्या बोलते हैं? नखरे करने को, नखरे, फिर से वेलकम टू हिंदी वर्सेस पहाड़ी। उलझाना, अलबलाट, बड़बड़ाना, बड़बड़ाट, बलबलाट, बलबलाट क्या होता है फिर? अलबलाट, छलबलाट, नक्शेबाजी, चलबलाट, हाँ, छलबलाट, हाँ, चलबलाट बोल दिया, चलो फिर से, नक्शेबाजी,
चलबलाहट बोलते रहना, बड़बड़ाहट, फलफलाहट, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, जल्दी मिलेंगे। बोला थोड़ा बहुत ठीक ही बोला है, इतना गंदा भी नहीं बोला है, अच्छे बोला है, सही बोला है। तो अभी हम लोग खाना हम लोगों ने नहीं खाया है, सुबह से हम लोगों ने बस एक पानी का बोतल था, पानी पिया है बस। अभी हम लोग खाना मंगाते हैं, फिर खाना खाते हैं, उसके बाद देखते क्या होता है, और बस जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। मैं ये व्लॉग खत्म करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे फोन में मतलब इतना ज्यादा कुछ है नहीं, तो क्या ही दिखाऊं फिर। लास्ट बार भावना से मिला देती हूँ, आ जाओ। तो दगड़ियों अभी हम जो है पहुंचे हैं रूम पे हिमानी के, यहाँ से मैं देखती हूँ शाम अभी थोड़ी देर में निकलूंगी, भाई के रूम पे जाऊंगी। अभी हम जस्ट पहुंचे ही हैं और थकान हो गई है, भयंकर वाली। हमारे साथ थोड़ा सा लोल भी हो गया था, बट बताएंगे नहीं। और मैं बेइज्जती हो जाएगी। और दिल्ली से मैं ना अष्टयाट में आई, और क्या बोलते हैं, मैंने एक ना जूता, दो जूते पहने थे व्हाइट वाले, एक अलग पहना, और मैं ऐसे दिल्ली से यहाँ उत्तराखंड आ गई व्हाट्सएप पे। तो दगड़िया अभी हम खा रहे हैं, अब खाना 4 बजे हमारा खाना, देखिए आप कुल्लड़, स्पेशल कुल्लड़ में देखिए इन्होंने बनाया है। आपको लग रहा होगा हमने मंगाया है, पर हमने मंगाया नहीं है, बना के पैक किया है, बना के पैक किया है ताकि हम स्क्रिप्टेड नहीं है गाइस, ये मैंने अरे पन्नी नहीं दिखाई मैंने। तो ये अभी हिमानी जी, मेरे को पता नहीं था शेफ भी है बहुत अच्छी, इन्होंने देखिए कितना अच्छा कुल्लड़ बिरयानी बनाई है। दो कुल्लड़ है, हाँ दो है भाई साहब, इतना सारा। अगर आपको और बयालीस लोगों ने अपनी शहादतें दी, जिसमें पहली बार देश के इतिहास में हमारी दो बहनें हंसा खनई और बिंदवती चौहान भी शहीद हुई। ये त्याग और ये बलिदान के बाद ये राज्य मिला, ये किसी की कृपा से नहीं मिला, ये राष्ट्रीय दलों की कृपा से या किसी की भीख से नहीं मिला।